टिकट मांगने का सबको अधिकार है, जब टिकट मिलेगी तो सब एक हो जाएंगे। बीकानेर भूमि बहुत पवित्र भूमि है और नाथ संप्रदाय का तो विशेष जुड़ाव बीकानेर की भूमि से रहा है। चारों तरफ राजस्थान में परिवर्तन दिख रहा है और आने वाले समय पर इस परिवर्तन का साक्षात स्वरूप आपको चुनाव के बाद में दिखेगा। कि राजस्थान में भव्य और जनता की चाह के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये जो प्रेस वार्ता हम करते हैं, ये हमारी परिवर्तन यात्रा का एक अंग है। नाइट स्टे जहां होता है, दूसरे दिन हम प्रेस वार्ता करके आज की यात्रा बीकानेर से प्रारंभ होगी, वो देश को होते हुए नोखा तक जाएगी और नोखा में रात्रि प्रवास है। तो हम पूछना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, इवन अशोक गहलोत जी से, कि क्या उन्होंने कहा सनातन धर्म को हम समाप्त कर देंगे, आप उनके साथ खड़े हो क्या? और संविधान में लिखा हुआ है कोई धर्म हो भारत में सभी धर्मों का हम आदर करेंगे। फिर एक आदमी जो बोलता है कि सनातन धर्म मलेरिया है, एक आदमी बोलता है सनातन धर्म कोरोना है, एक आदमी बोलता है कि ये एड्स की बीमारी जैसा है, तो इसका समर्थन करने वाले दल सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं ने किया। तो हम पूछना चाहते हैं श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, स्पष्ट करें कि वो सनातन धर्म के साथ हैं खिलाफ? कल्प यात्रा ये एकदम सफल यात्रा है, मैं तो काफ़ी दिनों से इसको देख रहा हूँ। जनता का बहुत स्पष्ट रुझान है, परिवर्तन है और कांग्रेस की सरकार आ रही है, भाजपा की कांग्रेस सरकार जा रही है, भाजपा की सरकार आ रही है, परिवर्तन है।